गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों का मैं सोनू कुमावत एक बार फिर से रॉयल इंस्टीट्यूट के इस लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप लोगों को पता है कि हम बहुत बढ़िया तरीके से कृषि पर्यवेक्षक के प्रश्नों पर हमेशा चर्चा करते हैं और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट है, कई बच्चों की जो है जीवन इससे जुड़ा रहता है। बच्चों को ये रहता है कि मैं जैसे तैसे कृषि पर्यवेक्षक बन जाऊँ। अलग अलग तरीके की परिस्थितियाँ बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं और अपना भविष्य बनाने का प्रयास करते हैं कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाए तो आनंद आ जाए। विद्यार्थियों, आप लोगों की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए ही जो है रॉयल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। चाहे आप लोग एग्रीकल्चर संबंधित या फिर नीट की भी जो बच्चे तैयारी करते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, या फिर जो एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे आपका जेट ICR हो या फिर CUET का एग्जाम हो, प्री PG का एग्जाम हो, या फिर आप लोगों का कृषि पर्यवेक्षक या बैंकिंग के एग्जाम में क्यों ना हो, या जो बच्चे 11वीं 12वीं या 9वीं 10वीं प्री की भी जो है प्री फाउंडेशन कोर्स की भी जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो मेरे कहने का मतलब है कि रॉयल आप लोगों के साथ जो है बिल्कुल कड़े साथ कंधे से कंधे मिला करके आप लोगों के साथ चलने को तैयार है। बस आप लोग जोश और जुनून रखिए, हमें अंतिम समय तक हार नहीं माननी विद्यार्थियों, तो हम निश्चित रूप से रॉयल इंस्टीट्यूट हमेशा ही अच्छी रैंक भी देता रहा है, क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से फर्स्ट रैंक लगभग सभी एग्जाम के अंदर रॉयल से ही आती है, चाहे प्री PG की बात हो, चाहे ICR की बात हो, चाहे आपके CUET जेट की बात हो, या फिर आपके कृषि पर्यवेक्षक ही बात क्यों ना हो। विद्यार्थियों, आप सभी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, बच्चे जय महादेव बोल रहे हैं तो बिल्कुल जय महादेव, गुड इवनिंग, हर हर महादेव। विद्यार्थियों, आप लोग इस बोर्ड के ऊपर जो फूल देख रहे हो, बहुत खूबसूरत सा फ्लावर आप सामने देख रहे हो, ये बच्चों एक तरह का बहुत अच्छे वाला गैलार्डिया है। इस फूल का नाम है विद्यार्थियों गैलार्डिया, याद रखना है ये गैलार्डिया फूल है और जनरली इसको हम लोग एज ए लूज फ्लावर काम में लेते हैं। लूज फ्लावर, ये आपका लूज फ्लावर है। मैंने आपको दो तरह के फूल बता रखे हैं, एक तो आपका जिसको डंडी के साथ में हम लोग तोड़ते हैं, जिसको हम लोग स्टॉक के साथ में तोड़ करके एक सिंगल फूल को हम लोग काम में लेते हैं, कई बार बुके वगैरह बनाए जाते हैं, वो कट फ्लावर्स कहलाते हैं, जिनको हम कई बार किलो के भाव में बेचते हैं बाजार में, ठीक है, जो किलो के भाव में बिकते हैं, जैसे गैलार्डिया वगैरह, ये जो फूल हैं, गुलाब है, तो जनरली जो क्या होता है, गुलाब को हम लोग एज ए कट फ्लावर और एज ए जो है दोनों ही रूप से काम में लेते हैं। गुलाब को हम लोग कट फ्लावर, लूज फ्लावर दोनों ही इसके उपयोग है। तो गैलार्डिया जो फूल है बच्चों, ये जनरली आपका जो गेंदा होता है ना, गेंदा के बाद में सबसे ज्यादा इसी का जो है उत्पादन होता है, ये काम में लिया जाता है। ये फूल आप सभी जगह देखते होंगे, अलग अलग तरह की थोड़ी थोड़ी डिफरेंट कलर की वैरायटी भी इसकी मार्केट के अंदर उपलब्ध है। इसको ब्लैंकेट फ्लावर कहते हैं विद्यार्थियों, इसलिए बता रहा हूं, इसको हम लोग कहते हैं ब्लैंकेट फ्लावर, इसका नाम है बच्चों जो है आपका ब्लैंकेट फ्लावर, इसको हम लोग कह देते हैं ब्लैंकेट फ्लावर। का मतलब यह है जो है इस गैलार्डिया का अन्य नाम है, इस गैलार्डिया को ही हम लोग ब्लैंकेट फ्लावर के नाम से जानते हैं, ऐसा कभी प्रश्न आ जाए तो हम लोग इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। विद्यार्थियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पता है रॉयल इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन पे रोज सुबह 7 बजे रॉयल का ऐप के ऊपर स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन होता है और जो भी टॉपर रहते हैं उसको फ्री में कोर्स उपलब्ध कराया जाता है। तो बच्चों, जो कल का टेस्ट होता है, 9 तारीख का रिजल्ट है, उसमें हितेश, विकास मीणा, लखन केवट है, आपका कुंज बिहारी है, देवा है, इसी प्रकार से आपका है ये सोहिल कबीर है, इसी प्रकार से अभिषेक मेरदा है, जितेंद्र कुमार है, मदन जांगीड है, मोनू योगी है। इनमें से 2 विद्यार्थियों की पहली रैंक आई थी, दो में से किसी एक को, 2 पर्चियां मेरे हाथ में है, दो में से किसी भी एक पर्ची को मैं जो है रैंडमली सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे जो है रिजल्ट बता देना चाहता हूँ कि इसका यहाँ पे जो है रिजल्ट क्या हो जाएगा। स्टूडेंट, इन दो में से किसको फ्री में कोर्स मिलेगा, तो बच्चों इसके अंदर विकास जो है, विकास को यहाँ पे जो है, विकास मीणा को यहाँ पे फ्री के अंदर कोर्स मिलेगा, तो दूसरा इसके अंदर टॉपर हो गया। हमारे पास में 2 पर्चियां और रखी हुई है क्योंकि आगे वाला टेस्ट का भी नतीजा हमारे पास में, तो आगे जो टेस्ट हुआ था, आज जो टेस्ट हुआ था 10 तारीख को, उसमें जो टॉपर है देवा है, रिंकू मीणा है, हरीश वर्मा है, मुख आपका है ये मुखराज चांदना है, इसी प्रकार से जो है रंगलाल कोलावत है, इसी प्रकार से ये राजपाल गोरिया है, मोनिकेश गुजर है, निकिता कुमारी है, सुभाष चंद्र मीणा है, या फिर आपका जो है आशीष मीणा है। इनमें से भी 2 विद्यार्थियों की फर्स्ट रैंक थी, तो किसी एक का हम लोग चेक कर लेते हैं। तो एक जो है रैंडमली मैं यहाँ पर कोई भी नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, संदीप सिंह, SL कुमावत, सभी का मैं हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। बच्चों, इसके अंदर जो है जिसको फ्री में कोर्स मिलेगा, रिंकू विद्यार्थी, रिंकू को जो है यहाँ पे फ्री में कोर्स मिलेगा। रिंकू जो है, ये रिंकू यहाँ पे है, रिंकू मीणा। तो कहने का मतलब, अगर आप भी चाहते हो कि रॉयल इंस्टीट्यूट से आपको फ्री में कोर्स मिले, तो रॉयल के ऐप पर रोज सुबह 7 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट यानी छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन होता है, तो आप लोग भी उसके अंदर भाग ले सकते हैं। विद्यार्थियों, आप लोगों को पता है अगला जो है रॉयल इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन के 1 लाख जो है डाउनलोड कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी के प्यार से
विद्यार्थियों आप सभी को रॉयल देखो थैंक यू कहना चाहता है, थैंक यू टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर 1 लाख डाउनलोड्स। तो 1 लाख डाउनलोड हो चुके हैं रॉयल इंस्टीट्यूट के ऐप से। आप सभी का प्रयास जो आप सबके प्यार से, और जो है आपको पता है 10वीं क्लास का जो कोर्स है विद्यार्थियों, 10वीं क्लास का कोर्स केवल 500 रुपए के अंदर मिल रहा है, 95% छूट। इसी खुशी के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की खुशी में जो है 10वीं क्लास के अंदर रॉयल इंस्टीट्यूट के ऐप के ऊपर टेस्ट होता है। तो ये 10वीं क्लास का जो है कोर्स जो है केवल 500 रुपए के अंदर मिल रहा है। तो जो भी आपके कोई अनुज हैं, जो छोटे भाई हैं, उनको आप ये कोर्स दिला सकते हैं केवल और 500 रुपए के अंदर। स्टूडेंट, आज का पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे इस प्रकार से रहेगा कि बैंगन की संकर किस्मों की बीज दर प्रति हेक्टर होती है 100 से 150 ग्राम, 150 से 200 ग्राम, 200 से 300 ग्राम या फिर 400 से 500 ग्राम। तो बैंगन की जो हाइब्रिड किस्में होती हैं, आज का सेशन विद्यार्थियों आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के सेशन में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातों में हम लोग चर्चा करेंगे और बहुत अच्छी बातें आप लोग निश्चित रूप से सीख करके जाओगे, इस बात की अपनी गारंटी है। तो यहाँ पे जो हाइब्रिड बैंगन होते हैं, हाइब्रिड वेराइटीज, उनका जो है संकरण क्या रहता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो है मंजू है, गुलदाउदी जैसा ही होता है, नहीं गुलदाउदी जैसा नहीं है, गुलदाउदी नहीं है, ये अलग टाइप का कलर है, ठीक है। ये गुलदाउदी नहीं है, गिलार्डिया मैंने बोला था, जो कि लूज फ्लावर के रूप में काम में लेते हैं। सुनील है, दिलखुश है, अनीता है, इसी प्रकार से जो है कृष्णा मीना, सभी बच्चे यहाँ पे सेकंड आंसर देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। बच्चे ज्यादातर सेकंड इसके अंदर आंसर दे रहे हैं। विद्यार्थियों यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि राइट आंसर इसका क्या हो जाना चाहिए। जैसा कि अनीता है या सभी बच्चे जो है, अभिषेक है, सभी स्टूडेंट यहाँ के ऊपर मैं जैसे कमेंट आप लोगों के देख पा रहा हूँ, अभिषेक है, हर्ष है ना, बहुत अच्छा, सभी बच्चे जो है इसके अंदर बी उत्तर दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे जो है क्या इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाना चाहिए। डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा विद्यार्थी वो आप लोगों का होना चाहिए, बिल्कुल जो है आप लोगों का सही उत्तर होगा आपका जो है सेकंड। ये जो है 150 से 200 ग्राम या 175 से 200 ग्राम भी ऑप्शन में आ सकता है। तो हाइब्रिड जो ब्रिंजल होता है उसकी सीड रेट जनरली रहती है 150 से 200 ग्राम, और जो सामान्य किस्में रहती है बच्चों, जो सामान्य किस्में रहती है देसी टाइप की किस्में, उनका जो है रहता है आपका 400 से 500 ग्राम बीज दर रहती है। तो ये बीज दर आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी। बैंगन के बारे में बहुत सारे फैक्ट आपको आज क्लास के अंदर मैं बताने वाला हूँ। बैंगन के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, बैंगन जो सफ़ेद बैंगन होता है विद्यार्थी, जो सफ़ेद बैंगन होता है उस सफ़ेद बैंगन को हम लोग, जो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं, सफ़ेद बैंगन को जो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं, मधुमेह जिसे कहते हैं, जिनको शुगर की बीमारी होती है, तो मधुमेह के रोगियों के लिए ज़्यादा उपयोगी है सफ़ेद बैंगन। तो किसी को डायबिटीज़ की बीमारी होती है तो मधुमेह के जो रोगी होते हैं उनको दिया जाता है। ऐसा क्यों है? सफ़ेद बैंगन के अंदर पूफा एसिड्स पाई जाती है बच्चों। पूफा जिसको हम लोग जैसे सूरजमुखी के अंदर, कुसुम के अंदर पाई जाती है ना, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। इसके अंदर जो है लिनोलिक अम्ल है, जैसे आप लोगों की विद्यार्थियों में लिनोलिक अम्ल है या फिर लेनोलेनिक एसिड, दोनों अम्ल पाई जाती है, लिनोलिक एवं लेनोलेनिक एसिड पाई जाती है, लेनोलेनिक एसिड। तो इन एसिड, इन ये कौन सी एसिड, ये आपकी पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है जो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल या शुगर के लेवल को कम करती है। तो सफ़ेद बैंगन वाला पॉइंट ध्यान रखना है। इसके अलावा बैंगन जो होता है आपका, वो विटामिन बी का अच्छा स्रोत होता है, विटामिन बी का। मैंने आप लोगों को कुछ प्रजातियां बता रखी है बैंगन की, अगर आपने बहुत बढ़िया तरीके से याद की है तो मैं, क्योंकि क्लास की शुरुआत है तो अच्छी बात है आप लोगों को बताना चाहता हूं गाइस। तो बैंगन के अंदर हम, मैंने 4 तरह की प्रजातियां यहां पे आप लोगों को बताई है। अगर आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी करना चाहते हो तो वो 4ों प्रजातियां मैं रिविजन के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक यहाँ पर मैंने बताई थी विद्यार्थियों, जिसको हम कह रहे थे सोलेनम, एक प्रजाति थी जिसको कह रहे थे सोलेनम, जो आपकी ओरिकुलेटम, सोलेनम ओरिकुलेटम एक प्रजाति थी, सोलेनम ओरिकुलेटम। ये सोलेनम ओरिकुलेटम का प्रश्न अभी एआरओ वाले एग्जाम के अंदर आया हुआ था। ये जो लिटिल लीफ की समस्या होती है, लिटिल लीफ की, तो ये लिटिल लीफ जो होता है बैंगन के अंदर, वो लिटिल लीफ की समस्या इसके अंदर ज़्यादा होती है। तो ये लिटिल लीफ इम्यून वेराइटी है, ठीक है। ये लिटिल लीफ इम्यून वेराइटी कौन सी है? सोलेनम ओरिकुलेटम एक प्रजाति है गाय, जिसे हम लोग कहते हैं सोलेनम, उसका नाम है विद्यार्थियों सोलेनम आपका जो है सिसिम्बरी फोलियम, सोलेनम सिसिम्बरी फोलियम। तो सोलेनम सिसंबरी फोलियम जो है गाइज, सिसंबरी फोलियम के अंदर क्या होता है, तो सोलेनम सिसंबरी फोलियम लिटिल लीफ प्रतिरोधी है। ये लिटिल लीफ प्रतिरोधी प्रजाति है, याद रखना है, लिटिल लीफ प्रतिरोधी। इसके अंदर जो है लिटिल लीफ समस्या नहीं होती है। तो प्रश्न कभी आ जाए कि लिटिल लीफ प्रतिरोधी कौन सी है, तो सोलेनम सिसंबरी फोलियम गाइज। उसी तरीके से एक प्रजाति की और मैं यहाँ पर बात करूँ, जिसे हम लोग कहते हैं सोलेनम, जिसे कहते हैं गाइज सोलेनम आपका खासी एनम, सोलेनम खासी एनम। तो सोलेनम खासी एनम जो प्रजाति है गाइज,
ये प्रजाति जो इस बैंगन के अंदर फल एवं तना छेदक जो लगता है, या फिर तना व फल छेदक जो लगता है, तना फल व तना छेदक शूट एंड फ्रूट बोरर इसको बोलते हैं, जो इसके प्रति प्रतिरोधक है। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोगों को याद रखना है। ये भी एआरओ के अंदर आया हुआ प्रश्न है कि कौन सी प्रजाति जो है बैंगन की, वो आपकी जो है फ्रूट एंड आपका जो शूट एंड फ्रूट बोरर होता है उसके प्रति प्रतिरोधी है। ठीक है, प्रतिरोधी का मतलब होता है रेजिस्टेंट है, तो ये अपने को याद रखना था। इसका मतलब क्या था, ये आपकी खासियानम फल व तना छेदक प्रतिरोधी है। एक प्रजाति जो आप लोगों को और याद रखनी चाहिए गाइस, ठीक है, एक प्रजाति जिसे हम लोग कहते हैं सोलेनम आपका जो है इनकानम, जिसका नाम था सोलेनम इनकानम, ये जो है सोलेनम मेलोंजिना की पूर्वज प्रजाति है। ये पूर्वज है सोलेनम मेलोंजिना बैंगन होता है, इसकी पूर्वज या फिर एंसेस्टर प्रजाति है, या प्रोजेनिटर जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है गाइज जो अपने को बढ़िया तरीके से याद रखने चाहिए, क्योंकि अच्छे एग्जाम के अंदर आते रहते हैं। एक मैंने आप लोगों को कहा था गाइज, अभी दो दिन पहले मैंने आपको बताया था, उसको हम लोग कहते हैं सोलेनम टॉरवम। तो सोलेनम टॉरम या टॉरवम जो प्रजाति है, इसको हम एज ए मूल व्रंथ के लिए काम में लेते हैं। इसको एज ए मूल व्रंथ के लिए टमाटर के लिए और प्लस बैंगन के लिए इसको हम लोग काम में लेते हैं। टमाटर और बैंगन के लिए गाइज इसको काम में लेते हैं। क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि ये जो है बैक्टीरियल विल्ट रेजिस्टेंट होती है गाइज, ये आपकी जो है बैक्टीरियल विल्ट रेजिस्टेंट होती है प्रजाति। तो ध्यान रखना है, कभी प्रश्न आ जाए कि टमाटर और बैंगन के लिए मूल व्रंथ के लिए हम लोग सोलेनम टॉरवम या टॉरम को काम में लेते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरियल विल्ट या जीवाणु अंगमारी प्रतिरोधी होती है कि नहीं है। बहुत अच्छा, तो ये कुछ कुछ तीन चीजें, सोलेनम ऑरिकुलेटम लिटिल लीफ इम्यून होती है, सोलेनम सिसिम्बरी फोलियम लिटिल लीफ प्रतिरोधी प्रजाति है, और सोलेनम खासियनम तनाव है फल छेदक प्रतिरोधी है, और सोलेनम इनकानम इसकी प्रोजेनिटर है, किसकी, बैंगन की, सोलेनम मेलोंजिना की। तो ये जो है कुछ चीजें आप लोगों को जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। तो पायल नागर है, इसी प्रकार से जो लवकुश है, कमलेश है, पवन सैनी है। बहुत अच्छा विद्यार्थियों, अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर रहेगा कि केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान, यानी कि केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान, यानी कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है। बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर, मैसूर कर्नाटक के अंदर, लुधियाना पंजाब में, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। बहुत अच्छा, बिल्कुल पायल नागर, थैंक यू सो मच, आप सबको जो है मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, आप सभी हमारे बीच में जुड़े हो, सभी को मैं रॉयल परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, क्लास हमने अभी स्टार्ट कर दी है, और आज की क्लास बहुत धमाकेदार होगी, क्योंकि बहुत जो है अच्छे प्रश्न हम आज इसमें शामिल करने जा रहे हैं। कन्हैया है, ललित है, शिवांगी है, इसी प्रकार से हर्ष है, कोमल है ना, सचिन है, बिल्कुल पी एस सिंगल है। बहुत अच्छा विद्यार्थी, सभी जो है बी, यहाँ पे ज़्यादातर विद्यार्थी सेकंड आंसर दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ देख लेते हैं कि इसका सही उत्तर वास्तव में क्या हो जाना चाहिए। विद्यार्थी, उसके अंदर जो सही उत्तर हो जाना चाहिए वो आपका होगा, जैसा कि बच्चे ज़्यादातर सेकंड इसमें आंसर कर रहे हैं, तो विद्यार्थियों यहाँ पे देख लेते हैं, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका मैसूर कर्नाटक। तो मैसूर के अंदर जो आप लोगों का है विद्यार्थियों, ठीक है, इसी प्रकार से जो है मैसूर के अंदर जो आप लोगों का है कौन सा, करना मैसूर कर्नाटक के अंदर है। तो ये याद रखना है कि मैसूर के अंदर आपका केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसी तरीके से खीरा वर्गीय सब्जियों में लिंग रूपांतरण हेतु हार्मोन्स या रसायनों का छिड़काव किस अवस्था पर किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, ध्यान रखना है। कुकुरबिट्स के अंदर हम सेक्स मॉडिफिकेशन के लिए कौन सी अवस्था पर जो है हम लोग छिड़काव करते हैं, 2 से 4 पत्ती अवस्था, 6 से 9 पत्ती अवस्था, 9 से 13 सत्यपत्ती अवस्था, 13 से 17 सत्यपत्ती अवस्था, यानी कि कौन सी स्टेज के ऊपर हम लोग जो है, कौन सी स्टेज के ऊपर। बहुत बढ़िया, आप सभी को बिल्कुल चूरू से भी जो बच्चे हमारे बीच में हैं, जोबनेर से ज़्यादातर बच्चे हैं, जयपुर से मैक्सिमम बच्चे जयपुर से हैं, इसी प्रकार से गंगानगर से भी हमारे बीच में, बीकानेर के भी बहुत से बच्चे जो हैं बिल्कुल जुड़े हुए हैं। बच्चों, आप सबका, कोटा से भी विद्यार्थी, आप सबका मैं बच्चों हार्दिक स्वागत करता हूँ, और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए हम लोग बताएं, और आप लोग निश्चित रूप से रेगुलर जुड़ोगे तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ताबड़तोड़ आपकी तैयारी हो जाएगी, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। विद्यार्थी पहला उत्तर दे रहे हैं, विद्यार्थी इस प्रश्न का वास्तव में जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा 2 से 4 पत्ती अवस्था। आपको पता, खीरा वर्गीय सब्जियों के अंदर, कुकुरबिट्स के अंदर जनरली ऐसा होता है कि लिंग रूपांतरण की स्थिति हम लोग करते हैं, क्योंकि कई बार हमें नर पुष्पों की संख्या बढ़ानी पड़ती है, कई बार मादा पुष्पों की संख्या बढ़ानी पड़ती है। मैंने आप लोगों को पहले बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है, मैंने कुछ हार्मोन और कुछ परिस्थितियां बता रखी है, जैसे ऐसे क्या हार्मोन और रसायन है जिनसे नर पुष्पों की संख्या बढ़ती है, और ऐसे कौन से हैं जिनकी वजह से जो है मादा पुष्पों की संख्या बढ़ती है। तो गाइस, इसके अंदर हम लोग यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज, नर पुष्पों की संख्या बढ़ती है बच्चों जिब्रेलिक एसिड के छिड़काव से और सिल्वर नाइट्रेट से,
AgNO3 या फिर सिल्वर कई बार थायोसल्फाइड भी काम में लेते हैं, तो GA3 एवं सिल्वर नाइट्रेट से नर पुष्प बढ़ते हैं और इथरेल के छिड़काव से गाइस अगर आप इथरेल का छिड़काव करते हो, इसके अलावा अगर आप मेलिक हाइड्रेजाइड का छिड़काव करते हो या फिर आपका ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड का छिड़काव करते हो तो इनसे क्या होता है गाइस, मादा पुष्पों की संख्या बढ़ती है। और मैंने आपको एक बहुत अच्छी वाली और इम्पोर्टेंट चीज़ कल मैंने आपको जो बताई थी, मैंने एक चीज़ कही थी कि आपका जो इंडोल एसिटिक एसिड होता है गाइज, तो इंडोल एसिटिक एसिड से क्या होता है, फीमेलनेस। ठीक है, बिल्कुल बच्चे जो बोल रहे हैं स्वागत है, तो अलवर से क्यों, अलवर वालों का भी तो स्वागत है। ठीक है, बहुत अच्छा। यहाँ पे जो है इंडोल एसिटिक एसिड जो होता है गाइज, तो इंडोल एसिटिक एसिड से देखो दोनों चीज़ों का केस बनता है, एक तो है फीमेलनेस, मैंने आपको बढ़िया तरीके से बता रखी है पहले भी, पहले की क्लास में, एक गाइज बन रही यहाँ पे फीमेलनेस और एक बन रही यहाँ पे मेलनेस। फीमेलनेस का मतलब होता है मादा पुष्पों की संख्या बढ़ना, मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने को हम लोग बोलते हैं फीमेलनेस, और नर पुष्पों की संख्या बढ़ती है उसको मेलनेस कहते हैं। तो जब आप इंडोल एसिटिक एसिड का छिड़काव करते हो ना, तो मोनोकोट जो होते हैं, मोनोकोट जो प्लांट्स होते हैं, उन मोनोकोट के अंदर क्या होता है, मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाता है IAA, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, IAA का छिड़काव मोनोकोट में मादा पुष्प बढ़ाता है, एवं जो डाइकोट्स होते हैं यानी कि जो द्विबीजपत्री सब्जियां होती है डाइकोट्स या फिर जो पौधे होते हैं उन डाइकोट्स के अंदर ये मेलनेस यानी कि नर पुष्पों की संख्या बढ़ाता है। तो ये कुछ सेक्स मॉडिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है, भरतपुर से, बिल्कुल भरतपुर है, जोधपुर से भी करण सिंह है, बिल्कुल बच्चों शिवानी है, इसी प्रकार से सागर पाटीदार है, राजस्थान के अलग अलग जगह से आप लोग आते हैं, तो बहुत खुशी की बात है बच्चों, आप एक ही साथ में जो है पूरे राजस्थान के दर्शन हो जाते हैं। ठीक है, वो कई बार एक वो एक चुटकला टाइप में नहीं है था, कटप बाहुबली फिल्म के अंदर क्या होता है, तो बाहुबली वो उसके अंदर जो कटप्पा होता है, तो वो उस राजकुमारी वाले उस शहर के अंदर जाते हैं, वहाँ पर वो जो तो घूमते हुए तो वो एक वहाँ पर राजकुमार जो होता है जिसको आता जाता कुछ नहीं, वो वहाँ पर कुछ काटता पीटता ऐसे रहता है ना, सिखाता है युद्ध कैसे करते हैं, तो वहाँ पर जो बाहुबली वो जो कटप्पा होता है वो उसको कहता है यार प्रभु आप तो क्या चीज़ हो, आपकी नज़र ऐसे तेज है, आपके जो है दिमाग ऐसे तेज है, आपकी फुर्ती चीते जैसी है, ऐसे कि आपको देख करके पूरे जंगल के दर्शन हो गए। ठीक है, तो वो हंसी मजाक के अंदर उसकी बेइज्जती कर देता है, लेकिन मैं आप लोगों की बेइज्जती नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो मजाक कर रहा हूँ क्योंकि आप राजस्थान के अलग अलग, तो यहाँ पे लाइव क्लास देख करके मुझे पूरे राजस्थान के दर्शन हो जाते हैं, तो मैं एक पॉजिटिव वे में बता रहा हूँ और वो कटप्पा जो है नेगेटिव वे के अंदर बता रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, बहुत अच्छा, इसी प्रकार से जो है दिनेश कुमार, ये अच्छा टॉपिक था, इसको आप लोग याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही कथनों का चयन कीजिए। पहला है तना वे फल छेदक यानी ल्यूसिनोडस ऑर्बोनेलिस बैंगन का मुख्य कीट है, मंजरी गोटा बैंगन की एफिड प्रतिरोधी किस्म है, अगला है अन्ना मलाई बैंगन की लिटिल लीफ रोग रोधी किस्म है, पूसा क्रांति व पूसा बिंदु बैंगन की मुख्य किस्में हैं, सही विकल्प का चयन करो, ए और बी, बी और सी, ए और सी और ए और डी। कहने का मतलब आपको यहाँ पर बताना है कि सही कौन सा होगा। ठीक है, बहुत अच्छा, इसी प्रकार से जो है आर्मी बॉय है, बहुत अच्छा, अजय शर्मा धौलपुर से है, बहुत बढ़िया विद्यार्थियों, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। चंद्र प्रकाश बाड़मेर है, कमलेश है, राजेश है। ठीक है विद्यार्थियों, अभी तक आपने अगर क्लास को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, तो आप लोग इस क्लास को अभी तुरंत प्रभाव से लाइक कर दीजिए। लाइक करने से क्या होगा कि थोड़ा यूँ रहेगा कि भाई आपने इस क्लास को पसंद किया है, एवं अगर आपने शेयर भी नहीं किया तो आप थोड़ा जो है थोड़ा ध्यान लगा करके 10 सेकंड के लिए क्लास को व्हाट्सएप के जो ग्रुप हैं उनके ऊपर भी आप लोग इसको सेव कर देंगे तो क्या है उससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है हमारे बीच में जुड़ेंगे। कमलेश इसी प्रकार से नारायण है, जयराम है, रवि पटेल है, प्रेम शंकर है, बहुत अच्छा विद्यार्थी, सभी बी उत्तर यहाँ पे देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको सही कथन यहाँ पे बताना है कि सही कथन कौन सा होगा, सही कथनों का चयन कीजिए, यहाँ पे लिखा है ना सही कथनों का चयन कीजिए, तो सही विकल्प कौन सा होगा। सही कथन देखो पढ़ करके फिर चेक करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है बी कुछ डी उत्तर दे रहे हैं। विद्यार्थियों तना और फल छेदक जो है ये ल्यूसिनोडस ऑर्बोनेलिस बैंगन का मुख्य कीट है, हाँ है, तो ये तो सही हो गया। मंजरी गोटा बैंगन की एफिड प्रतिरोधी किसमें नहीं है, एफिड प्रतिरोधी नहीं है, लिटिल लीफ प्रतिरोधी है, तो थोड़ा उल्टा मामला है, तो ये आपका गलत हो गया। अन्ना मलाई बैंगन की लिटिल लीफ है नहीं है, ये आपकी एफिड प्रतिरोधी है, तो ये भी उल्टा हो गया, तो ये भी नहीं होगा। पूसा क्रांति एवं पूसा बिंदु इसकी इंपॉर्टेंट किस्म है, बिल्कुल है, तो सही कौन सा हो जाएगा, ए एवं डी।
ए एवं डी आपके चौथे ऑप्शन के अंदर है, तो गाइस जिन्होंने बी उत्तर दिया था वो तो गलत है, डी आप लोगों का सही है। तो सही कथन हमें चुनना है, तो इसके जो गलत कथन थे वो भी तो आप लोगों को याद रखने हैं। तो यहाँ पे जो है मंजरी गोटा किसकी वैरायटी है, आपकी लिटिल लीफ प्रतिरोधी है, और अन्ना मलाई जो है आपकी एफिड प्रतिरोधी प्रजाति या फिर किस्म जिसको हम लोग कहते हैं, ये आप लोग देख पा रहे हो, ये हम अच्छे से ये याद रख लेना, ये जो पॉइंट है बैंगन के संबंध में है। तो प्यारे विद्यार्थियों कमलेश है, सुनीता चौधरी है, ठीक है, इसी प्रकार से महावीर है, कृतिका है, राजेश है, राजेंद्र है, नरेश कुमार है, सचिन बहुत अच्छा, पायल नागर है, इसी प्रकार से कमलेश है, प्रेम शंकर, लोकेश, रजनीश बहुत अच्छा। स्टूडेंट अगला प्रश्न रहेगा, किस वृद्धि नियंत्रक एवं हार्मोन को तनाव हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन की संज्ञा दी गई है, IBA जिसको हम लोग कहते हैं इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, आपका साइटोकाइनिन, इथाइलिन या फिर एब्सिसिक एसिड। गाइस आपको यहाँ पर बताया है, ठीक है सर मुझे लगा है गलत पूछा है, कोई बात नहीं, किसी को कुछ भी लग सकता है, लगने की बात नहीं। अब लगा कहाँ से मेरे समझ में नहीं आई, बच्चे बोल रहे हैं कि मुझे लगा है कि आपने गलत पूछा है, अब तुम्हारा क्या करें। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कथनों का चयन कीजिए, ठीक है, सही कथनों का करना, यहाँ भी सही विकल्प, गलत कहीं पर लिखा ही नहीं हुआ, बच्चे बोल रहे हैं गलत पूछा हुआ है, अब ऐसी फीलिंग आती है तुम्हें, पता नहीं कैसे आती है, मेरे समझ नहीं आती ये चीज़, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से जो है कमलेश है, हर्ष है, ठीक है, पायल नागर है, मेघराज है, इसी प्रकार से सरोज है, पायल है, दिलखुश मीना है, सोहन लाल है, तो सभी विद्यार्थी जो है यहाँ पर डी उत्तर दे रहे हैं कि किस वृद्धि नियंत्रक या हार्मोन को अपन स्ट्रेस हार्मोन या तनाव हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि विद्यार्थी जो है मैक्सिमम यहाँ पर उत्तर देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट महेश यादव है, निधि है, सुमित्रा है, ठीक है, इसी प्रकार से सोहन लाल है, बच्चों यहाँ पर जो है विद्यार्थी चौथा उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों का सही उत्तर होगा एब्सिसिक एसिड। तो गाइस जो एब्सिसिक एसिड होता है उसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, क्योंकि पौधे के अंदर स्ट्रेस की कंडीशन में बनता है, जनरली वाटर स्ट्रेस की कंडीशन में, पौधा जब पानी की कमी रहती है उधर, तो पानी की जनरली कमी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन बनता है पौधे में। जब सूखे की स्थिति में दो ही चीज़ें बनती हैं, सूखे की स्थिति में एक तो एब्सिसिक एसिड बनती है और एक एमिनो एसिड बनती है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोलीन। तो ये दो चीज़ें आप लोग याद रखना, प्रोलीन एमिनो एसिड और एब्सिसिक एसिड जो है आपके सूखे की स्थिति में पौधे के अंदर बनते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या है, इसका जो काम है वो बच्चों सुसुप्तावस्था को बढ़ाने का काम है इसका, ठीक है। ये जो है आपका एब्सिसिक एसिड सुसुप्तावस्था बढ़ाता है, ठीक है, सुसुप्तावस्था बढ़ाना इसका काम है। पौधों को बोलता है सो जाओ, पानी नहीं है अभी, ठीक है, अभी तक सो जाओ, जो है पानी की कमी है, तो यूं कहते हैं पौधे को सुलाने का काम करता है, ठीक है। जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, पौधों को जगाने का काम करता है। जिब्रेलिक एसिड सुसुप्तावस्था को तोड़ने, आपके जो है तोड़ने का काम करता है, तो जिब्रेलिक एसिड आपका जो है सुसुप्तावस्था को तोड़ता है। सुसुप्तावस्था को तोड़ना यानी कि पौधों को जगाता है, पौधे या फिर बीज जो नींद में रहते हैं सो जाते हैं, सुसुप्तावस्था का मतलब क्या, एक तरह से सो जाते हैं या सोते रहते हैं, सुसुप्तावस्था में रहते हैं। जिब्रेलिक एसिड तो बोलता है कि उठो, और आपका जो है एब्सिसिक एसिड कहता है सो जाओ, पानी है नहीं अभी। इसीलिए हम लोग जो है ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसको हम लोग जो है एब्सिसिक एसिड को गाइस हम लोग एंटी जिब्रेलिन हार्मोन भी कहते हैं। अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना, इसको हम लोग जो है एंटी जिब्रेलिन हार्मोन कहते हैं, एंटी जिब्रेलिंस, ध्यान रखना है। एंट्री जिब्रेलिन हार्मोन किसे कहते हैं, एब्सिसिक एसिड, क्योंकि एब्सिसिक एसिड का जिब्रेलिन का उल्टा प्रभाव यहां पर रहता है। इसी प्रकार से मैंने आपको कहा था एब्सिसिक एसिड के प्रभाव से पौधे के जो रंध्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं, तो कई बार जो है सूखी खेती के अंदर रंध्रों को बंद करने में इसका उपयोग किया जाता है, रंध्रों को बंद करना, ठीक है, रंध्रों को बंद करने में, और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाती है। जैसे रंध्र बंद होंगे तो हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी बंद हो जाती है गाइस, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को बंद करने के लिए भी हम लोग क्या है, वाष्पोत्सर्जन बंद करने के लिए भी आपका ये काम में लेते हैं। एक इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसको गाइस एब्सिशन कहा जाता है, उसको गाइस जो है एब्सिशन कहा जाता है, यानी विघलन। विघलन का नाम आपने सुना होगा, पौधे के अंदर सूखे की स्थिति में एब्सिसिक एसिड बनता है और ये आपकी पत्तियों को जो है यहाँ पे एब्सिसन लेयर बनती है और वो पौधे को या फलों को पौधे से अलग कर देती है, पत्ती को या फिर फलों को पौधे से अलग करती है। कौन, एब्सिसिक एसिड अलग करता है, इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं एब्सिशन या फिर विघलन, ठीक है गाइज, बहुत अच्छा है। तो ये कुछ पॉइंट है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखने। अगला है, निम्न में से कौन सा वृद्धि नियंत्रक पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन या फिर आपका एब्सिसिक एसिड। कोशिका विभाजन को मतलब मुख्य रूप से, जिसे मुख्य बताना है, किसका मुख्य कार्य, सेल डिवीजन का ही मुख्य कार्य है, तो आप लोग यहाँ पे बताओगे। कमलेश कुमारी है, मंजीत बलच बाड़मेर से है, बच्चे मंजू है, ठीक है, बहुत बढ़िया।
इसी प्रकार से जो है कमलेश है, सभी बच्चे, राहुल है, आप सब आंसर दे रहे हैं कि आपका जो है मुख्य रूप से जो है आप लोगों का सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है उसके लिए मुख्य रूप से कौन सा जिम्मेदार है, तो आप बताओगे बसंत मीना है, हर्ष है, इसी प्रकार से अंकित है, भरत है, अनामिका है। बहुत अच्छा, तो विद्यार्थियों आप सबका जो है मैं स्वागत करना चाहूँगा। आप सभी बच्चे राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से हमारे बीच में जुड़े हैं। नंदलाल है, छगनलाल है, निर्मा है, कोमल है, इसी प्रकार से पुष्पेंद्र है, प्रमोद है, अनीता है। बहुत अच्छा, तो ज़्यादातर विद्यार्थी यहाँ पर बी उत्तर देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि साइटोकाइनिन हो जाएगा। बिल्कुल विद्यार्थियों, जो साइटोकाइनिन का गाइज मुख्य कार्य है, साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य है सेल डिवीजन का। तो साइटोकाइनिन के दो कार्य आपको याद रखने हैं। पहला काम तो आप लोगों ने देख दिया कोशिका विभाजन, दूसरा विद्यार्थियों कहते हैं कि जीर्णता को कम करना। जीर्णता किसको बोलते हैं? बुढ़ापा को बोलते हैं, बुढ़ापे को कम करना। तो ये बुढ़ापा कम करना भी इसका मुख्य काम है, बुढ़ापा कम करना, जीर्णता कम करना। यानी पौधे के अंदर अगर आप साइटोकाइनिन का छिड़काव करते हो तो ये बुढ़ापे को कम करते हुए पौधे को जवान बनाए रखता है, पौधे को जवान बनाए रखता है, ध्यान रखना। इसीलिए साइटोकाइनिन को हम लोग जुवेनाइल हार्मोन भी कहते हैं, जवानी वाला हार्मोन कहते हैं, जुवेनाइल हार्मोन, ठीक है। इसका अन्य नाम है जुवेनाइल हार्मोन कहलाता है गाइज, याद रखना है। जुवेनाइल हार्मोन किसको कहते हैं? साइटोकाइनिन को, क्योंकि ये बुढ़ापे या जीर्णता को कम करता है, युवा अवस्था में बनाए रखता है, तो इसके अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं, ठीक है। कई बार हम लोग नारियल, इंसानों में भी क्या प्रभाव आता है, नारियल पानी पीते हैं, नारियल पानी में भी साइटोकाइनिन अच्छा पाया जाता है, तो फ्रेश रहता है, चेहरा चमकता है उससे, है कि नहीं। तो कहने का मतलब दो पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा एक अति आवश्यक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब अपन उत्तक संवर्धन की बात करते हैं विद्यार्थियों, उत्तक संवर्धन, तो उत्तक संवर्धन के अंदर दो पॉइंट आपको बहुत खास करके ध्यान रखने हैं। जैसे उत्तक संवर्धन के हम लोग जो मीडिया तैयार करते हैं ना, माध्यम, ये जैसे उत्तक संवर्धन के अंदर हम लोगों ने मीडिया तैयार किया हुआ है। मीडिया मतलब उसके पौधे को जो भी आवश्यकता होती है वो पूरा पूरा मटेरियल इसमें रहता है। तो इसके अंदर जैसे हम लोगों ने एक्स प्लांट यहाँ पर लगाया, तो अगर इसके अंदर दो केस बनते हैं, ये जो विलियन में हमने जनरली दो हार्मोन रहते हैं, एक तो ऑक्सिन रहता है, एक साइटोकाइनिन, ये दो हार्मोन उत्तक संवर्धन में ज़्यादा काम में लिए जाते हैं। उनमें दो केस यहाँ पर बनता है, एक तो यहाँ पे क्या बनता है, उच्च, अगर आपने यहाँ पे उच्च अनुपात रखा, किसका? उच्च साइटोकाइनिन रखा। अगर आपने गाइस इसके अंदर उच्च साइटोकाइनिन रखा, उच्च साइटोकाइनिन, और ये जो अनुपात है आपने उच्च साइटोकाइनिन ऑक्सिन अनुपात, आपका जो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन अनुपात यहाँ पे देख रहे हो, साइटोकाइनिन ऑक्सिन अनुपात अगर आपका अधिक है, ये अनुपात आप लोगों का अगर अधिक है या फिर उच्च है, अनुपात आपका एक केस तो ये बन रहा है कि ये क्या है, उच्च है, अधिक अनुपात में, यानी साइटोकाइनिन की मात्रा ज़्यादा है। दूसरा केस यहाँ पे ये बन रहा है कि कम, यहाँ पे कम साइटोकाइनिन, कम साइटोकाइनिन ऑक्सिन अनुपात, दूसरा केस इसका उल्टा बन रहा है, कम अनुपात है। यहाँ पे अनुपात की जब कभी भी बात होती है तो पहले जो भी लिखते हैं उसकी मात्रा अगर ज़्यादा है तो अनुपात भी ज़्यादा रहता है, उच्च रहता है, और पहले कोई चीज़ लिखी हुई उसकी मात्रा कम है तो उसको बोलते हैं अनुपात भी कम है, ठीक है। तो अगर उच्च साइटोकाइनिन ऑक्सिन अनुपात है तो ऐसे केस में पौधे के अंदर शूट की ग्रोथ पहले होगी, यानी कि शूट फॉर्मेशन होगा गाइज, शूट फॉर्मेशन होगा, याद रखने वाला पॉइंट है गाइज, शूट फॉर्मेशन। यानी इस परख नली के अंदर ये जो हमने लगाया उत्तक संवर्धन में, अगर इसके अंदर साइटोकाइनिन और ऑक्सिन अनुपात ज्यादा है तो वहां पे पहले शूट की ग्रोथ होगी, ठीक है। अगर इसके अंदर साइटोकाइनिन ऑक्सिन अनुपात कम है तो इसके अंदर रूट की ग्रोथ होगी, ध्यान रखना बच्चों, रूट ग्रोथ होगी या फिर रूट फॉर्मेशन होगा। ये बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया। तो इसके अंदर क्या होगा, रूट फॉर्मेशन ज्यादा होगा अगर अनुपात कम है तो, है कि नहीं है। बहुत अच्छा, अगला प्रश्न आपके सामने रहा, स्कोवेनेल हीट यूनिट से क्या मापते हैं? स्कोवेनेल हीट यूनिट किसे मापने की इकाई है? इसका मतलब यह है, देखो, मिर्च का लाल रंग, मिर्च की कठोरता, मिर्च का तीखापन, या फिर आपका मिर्च की परिपक्वता, आपको यहाँ पे बताना है कि स्कोवेनेल हीट यूनिट से क्या मापते हैं। मिर्च का लाल रंग, मिर्च की कठोरता, मिर्च का तीखापन, या फिर मिर्च की परिपक्वता, तो गाइज आप लोग यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। बहुत अच्छा, इसी प्रकार से जो कृतिका राजपूत है, नीलम शर्मा है, पवन सैनी है, प्रेम शंकर है, ठीक है, बहुत अच्छा। आप सभी का जो है, आप सभी का बिल्कुल मैं स्वागत करता हूँ। आप राजस्थान और रॉयल इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप लोग जुड़े हुए हैं विद्यार्थियों। रॉयल आप लोगों के लिए, आपको पता है कि नए बैच यहाँ पे प्रारंभ हो रहे हैं, तो नए बैच जो भी कृषि पर्यवेक्षक जेट, ICAR, CUET या प्री PG की तैयारी करना चाहता है, ऑफलाइन आकर के आप तैयारी कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी आप यूट्यूब का जो आपका रॉयल इंस्टीट्यूट का ऐप है डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर आपको सभी कोर्सेज जो है बहुत ही मिनिमम प्राइस के अंदर आपको अवेलेबल हो रहे हैं। तो विद्यार्थी बिल्कुल, मनु गुजर है, इसी प्रकार से कृतिका है, सभी बच्चे सी उत्तर दे रहे हैं। बच्चों, जो मिर्च के अंदर जो तीखापन होता है, जिसको हम लोग हीटनेस कहते हैं, कई बार हीटनेस जो होती है, तीखापन जो होता है,
उस तीखेपन को मापने के लिए स्कोविल हीट यूनिट एक यूनिट है, इसके माध्यम से मापते हैं कि कौन सी मिर्च कितनी तीखी होती है, ठीक है। और मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? मिर्च का तीखापन होता है गाइज कैप्सिसिन के कारण। तो आपको याद रखना है कैप्सिसिन के कारण तीखापन होता है, कैप्सिसिन के कारण इसके अंदर लाल रंग होता है। तो मिर्च के अंदर तीखापन मापते हैं स्कोविल हीट यूनिट के माध्यम से। बहुत अच्छा, अगला प्रश्न रहा, इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर IHITC जयपुर की स्थापना किस देश की तकनीकी सहायता से हुई है? नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जापान। आपको बताएं इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर जयपुर में है, उसकी स्थापना किस देश के टेक्निकल सहयोग से हुई है? नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जापान। ठीक है, ये प्रश्न भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है, तो आप लोगों को ये प्रश्न भी अच्छे तरीके से आना चाहिए गाइस। तो यहाँ पे गौरव है, लोकेश है, सभी विद्यार्थी जो कमेंट कर रहे, पवन है, कृतिका है, पहला प्रश्न बच्चों का आता हुआ, सोहन लाल है, इसी प्रकार से तेज सिंह है, संगीता है, जयश्री है, वीरेंद्र है, सोहन है। बहुत अच्छा, तो विद्यार्थियों आप सभी जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से पहला जो है ज़्यादातर बच्चे फर्स्ट आंसर कर रहे हैं। ये प्रश्न हम समय समय पर देखते रहते हैं, पहले भी हमने शायद इस प्रश्न के ऊपर चर्चा की हुई है गाइज, तो ये प्रश्न बिल्कुल जो है आप लोगों को आना चाहिए। सचिन है, सभी विद्यार्थी सी और पहले के ऊपर फोकस आ रहे हैं, ज़्यादातर पहले के ऊपर और सी के ऊपर यहाँ पर फोकस आता हुआ नजर आ रहा है। तो हम अभी यहाँ पर देख लेते हैं विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर सी तो नहीं होगा, सी वालों के तो माइनस हो गया और नीदरलैंड वालों के सही हो गया। तो नीदरलैंड की टेक्निकल असिस्टेंस के माध्यम से जो है ये जयपुर के अंदर, ये हम लोग यहाँ बहुत बार गए हुए हैं, इस किसानों की ट्रेनिंग भी होती है, दुर्गापुरा के पीछे है, दुर्गापुरा के अंदर ही है, दुर्गापुरा का जो कैंपस है ना दुर्गापुरा, तो जब दुर्गापुरा में जाते हैं तो दुर्गापुरा के अंदर जाके पीछे जाते हैं, वहीं पर इसका कैंपस बहुत अच्छा सा बना हुआ है। आप लोग भी कभी जाएंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को वहां पर जाकर के आना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, बहुत बढ़िया तरीके से जो है वहां पर बना हुआ है। तो आप लोग जो है बिल्कुल आप कभी घूमने जाएं तो निश्चित रूप से आपको वहां पर जाकर के आना चाहिए, ठीक है गाइज। इसी प्रकार से देखेंगे अगला प्रश्न आपके सामने जो रहेगा, अगला प्रश्न यहां पर जो रहेगा गाइज देखेंगे इस प्रकार से, मिर्च का लाल रंग कैप्सिसिन के कारण होता है, इसका सूत्र क्या है? कैप्सिसिन का सूत्र बनाना है, ये आपको सूत्र में ये जो देख रहे हो ना ये 40 थोड़ा नीचे लगा, ऐसे C40 है, ऐसे है C40 है, H56 है, O3 है, ये वास्तव में ये ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब C18 है, H27 है, NO3 है ना, इस प्रकार से जो आपका C21 है, H20 है या फिर O6 है, इसी प्रकार से C17 है, H19 है, NO3 है, तो ये यहाँ पर देख रहे हैं ये फॉर्मूले ऐसे लिखे हुए हैं, तो आपको ABCD यहाँ पर बतानी है, ठीक है। बहुत अच्छा, आप सब मंजू शर्मा आप सभी का जो है मैं स्वागत करता हूँ, आप लोग अब बताओगे सही आंसर क्या होगा, नहीं तो इसी प्रकार से जो है आप लोग बताओगे कि सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों, जैसा कि आप लोग कमेंट दे रहे हैं विद्यार्थी, ज़्यादातर देखो ये फॉर्मूला पूछा कैप्सिसिन का, तो कैप्सिसिन का फॉर्मूला क्या होता है जैसा कि आप लोग अब बताएंगे बच्चों, जैसा कि बच्चे मैक्सिमम ये प्रश्न बहुत अच्छे एग्जाम के अंदर आने वाला प्रश्न है, ये इतना सरल प्रश्नों में से नहीं है ध्यान रखना, तो ये प्रश्न बहुत अच्छे लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर ऐसे प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो सोहन लाल है, प्रेम शंकर है, सभी स्टूडेंट यहाँ पे जैसा कि सी दे रहे हैं, कोई फर्स्ट आंसर दे रहा है, लेकिन मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है तो ज़्यादातर जो मेरे से पढ़े हुए हैं वो यहाँ पे सही उत्तर दे देंगे। हम लोग कैप्सिसिन की बात करें बच्चों, जो कैप्सिसिन का फॉर्मूला होता है तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ए या फिर फर्स्ट, बहुत सारे बच्चों ने सही भी उत्तर दिया है, C40, H56 और O3 जो होता है वो कैप्सिसिन का फॉर्मूला होता है। बच्चों यहाँ पर जो है ये आपका C18, H27, NO3 जो होता है ये कैप्सिसिन का होता है बच्चों, जिसके कारण तीखापन होता है कैप्सिसिन। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मिर्च के बारे में पढ़ा होगा गाइज, तो मिर्च के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग पढ़ते हो, आप लोग जैसे मिर्च का यहाँ पे फ्रूट है बच्चों, ये मिर्च का जो फ्रूट की मैं लोग बात करूँ आपके सामने, ये मिर्च का फल है, तो मिर्च के अंदर जो आप लोग देखते हो ना कई बार, अच्छा आगे वाले प्रश्न में ये चीज़ मैं विस्तृत तरीके से आपको बताता हूँ, ठीक है। बहुत है, ये नया क्वेश्चन है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कैप्सिसिन का फॉर्मूला यहाँ पे होता है C40 H56 O3 और कैप्सिसिन का फॉर्मूला होता है, ये दोनों भी फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये किसके हैं मैं बताऊँगा नहीं, ये आप लोगों को रिसर्च करनी है, स्क्रीन शॉट लेकर के मुझे कल कमेंट करके बताओगे कि ये दोनों फॉर्मूले किसके हैं, ये दो फॉर्मूले लिखें, ये दो फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन है किसके हैं ये मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि आप लोगों को बताना है, ये मैंने पहले एक नए क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ बता रखी है, ठीक है। अगला प्रश्न है गाइस, निम्न में से कौन सी किस्में सफेद प्याज की है? भीमा श्वेता, भीमा राज, भीमा किरण, भीमा सुब्रा,
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करो। ए व बी, बी और सी, डी और डी और ए और डी। यहाँ पे आप लोग बताओगे कि कौन सी किस्में व्हाइट अनियन की है, यानी कि सफ़ेद प्याज की वैरायटीज कौन सी है, तो यहाँ पे आप लोग बता रहे हैं, देखेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी नहीं सुना है तो बहुत सारी बातें भी आप लोगों ने नहीं सुनी रहती है। मैं बहुत सारी नई चीज़ें लेकर के आता हूँ, आप लोगों ने थोड़ी सुनी हो, लेकिन सुनी नहीं है इसका मतलब ऐसा थोड़ी है ही नहीं। कई बार क्या होता है कि भाई तुमने कोई चीज़ देखी नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी है ही नहीं। ठीक है, अरे यार ऐसी चीज़ तो ऐसा मैंने कभी सुना ही नहीं, अरे भाई तुमने सुना ही नहीं इसका मतलब वो है ही नहीं, ऐसा थोड़ा। जापान के अंदर एक रेनबो ब्रिज है, रेनबो ब्रिज जापान के अंदर है कि अरे यार ये तो मैंने सुना ही नहीं, इसका मतलब वो ब्रिज नहीं है क्या? ब्रिज तो है लेकिन हमने नहीं सुना है। हम अभी धीरे धीरे जान रहे हैं, इंसान है, हमें सभी चीज़ें आती नहीं, हम जानने का प्रयास करते हैं विद्यार्थियों, है कि नहीं है? इंसान का जो दिमाग है सभी चीज़ें थोड़ी आ सकती हैं, हमें सभी चीज़ें नहीं आती, हम सीख सकते हैं, क्योंकि इंसान का दिमाग इतना पावरफुल है कि ये बहुत सारी चीज़ों को याद कर सकता है और बहुत सारे जो है काम कर सकता है इंसान का दिमाग, बस इसको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो मंजीत है, अनीता है, प्रेम है, लाल है, पिंकी है, इसी प्रकार से लोकेश है, प्रेम शंकर है। डी उत्तर और बी उत्तर ज्यादातर बच्चे दे रहे हैं। बच्चों भीमा श्वेता जो है इसकी वैरायटी है सफेद प्याज की, एवं भीमा सुब्रा भी सफेद प्याज की है, भीमा राज और भीमाकरण लाल प्याज की है, तो ए एवं डी हो जाएगा। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा, कई बार प्रश्न आ जाए लाल की। एक और होती है जिसको कहते हैं अर्का स्वादिष्ट, अर्का स्वादिष्ट भी इसी की वैरायटी। तो भीमा सुब्रा जो है आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर के अंदर आया हुआ प्रश्न है, तो यह भी चीज अपने को याद रहनी चाहिए, है कि नहीं है? बहुत अच्छा, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग मूव करते हैं गाइज। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, निम्न युग्मों को पढ़िए, रोगवाहक कीट दे रखें, उक्त में से सही सुमेलित युग्म कौन से हैं। देखो मंची टॉप केला के अंदर होता है, इसका रोगवाहक कीट है पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा। पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा क्या है? आपका एफिड है। अगला है ट्रिस्टेजा वायरस। टॉक्सोप्टेरा सिट्रिसिडा एफिडिस को फैलाता है। सिट्रस कैंकर को डाइफोरिना सिट्राई फैलाता है। सिट्रस ग्रीनिंग को फाइलोक्निस्टिस सिट्रेला फैलाता है। इनमें से सही सुमेलित युग्म कौन से हैं? ए और बी, केवल सी और डी, केवल ए एंड बी है, या फिर ए एंड डी है, ए सी और डी है, ए बी है, या फिर बी और सी। चार ऑप्शन आपके सामने वैसे दिख ही रहे हैं अच्छे से, तो आपको यहाँ बताना है। रोगवाहक कीट जो दे रखे हैं, ये रोगवाहक कीट गाइस यहाँ पे देख रहे हो चार दे रखे हैं, आपको सही सुमेलित कौन से हैं? अच्छा और बढ़िया प्रश्न है, ठीक है, बहुत अच्छा। इसे देखो बच्चे आप लोग आंसर देंगे यहाँ पे। विद्यार्थियों बात ऐसी है, हमारा ये मैं ये कोशिश करता हूँ कि अच्छे प्रश्न आपके सामने लाऊं। अच्छे प्रश्न लाते हैं उससे क्या रहता है कि बच्चों को ये लगता है कि जो पढ़ रहे हैं उसके लाइक टेस्ट भी हो रहे हैं। कई बार पेपर बहुत सरल सरल से आ जाता है, टेस्ट भी होते हैं कई जगह, मैं देखता हूँ थर्ड क्लास से टेस्ट होते हैं, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में जो कभी पूछे ही नहीं जा सकते, संभावना ही नहीं। अपने प्रश्न बिल्कुल मॉडर्न जमाने के प्रश्न हैं, हम बिल्कुल नए जमाने से जुड़े हुए हैं, हमें पता है कि नए नए जो एग्जाम हो रहे हैं उनके अंदर किस तरह के प्रश्न आते हैं, क्योंकि मैं सभी पेपर देखता रहता हूं, तो ऐसे प्रश्न जो आते हैं तो उससे मिलते जुलते हैं, उसी टाइप के प्रश्नों में हमेशा जो है हम बच्चों से जो टेस्ट लेते हैं ऐसे ही प्रश्नों का लेते हैं, ताकि बच्चों के कभी एग्जाम के अंदर ऐसा प्रश्न आ जाए तो बच्चे भयभीत नहीं हो, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं तभी तो हम आपके सामने लेकर के आते हैं, है ना? बहुत अच्छा। तो बच्चे यहाँ पे सी सी जो है ज्यादातर बच्चे तीसरा यहाँ आंसर कर रहे हैं, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। बच्चों बंची टॉप जो होता है वो केले के अंदर वायरस है, ज्यादातर ये जो वायरस है ये इस वायरस को एफिड फैलाता है, जिसको पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा कहते हैं, सही है, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो नींबू वर्गीय फलों में ट्रिस्टेजा वायरस होता है उसको टॉक्सोप्टेरा सिट्रिसिडा सिट्रस एफिड फैलाता है, ये भी यहाँ पे सही है। सिट्रस कैंकर जो होता है ये आपका क्या है, बैक्टीरिया या जीवाणु से होता है, ये जीवाणु से होता है गाई, और इसको जो है फैलाता कौन है, इसको जो है लीफ माइनर फैलाता है, उस लीफ माइनर को फाइलोक्निस्टिस सिट्रेला कहते हैं, ये बच्चों लीफ माइनर है, तो यहाँ पे ये इसके सीत पे थोड़ी दे रखा है, तो ये युग्म यहाँ पे क्या हो गया, देखो ये उल्टा, ये सामने वाला नहीं है ये वाला है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। सिट्रस ग्रीनिंग जो होती है ये भी जीवाणु से होती है, जिस जीवाणु का नाम है कैंडिडेटस लिबेरीबैक्टर, और ये आपका जो है सिट्रस साइला है, डाइफोरिना सिट्राई जिसको हम बोलते हैं सिट्रस साइला, तो ये सिट्रस साइला इसको फैलाने का काम करता है, तो डाइफोरिना सिट्रे हो गया, तो ये भी आपका उल्टा हो गया, तो सही सही कौन से हो गए, ए और बी यहाँ पे सही हो गए, तो ए और बी तो सही हो ही गए, बाकी ये दोनों भी ध्यान रखना, ये थोड़ा उल्टा मिलान कर रखा है, लेकिन ये भी आप लोग आगे से ध्यान रखोगे ऐसा प्रश्न आपका गलत नहीं हो जाए। तो नींबू वर्गीय फलों के मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से, मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर भी नींबू वर्गीय फलों के रोग आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रखे हैं, रोग और कीट। नींबू वर्गीय फलों से कोई भी प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं है गाइस, मेरे पुराने क्लासेस के अंदर मैंने नींबू वर्गीय फलों को बेस्ट तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर रखा है, ठीक है। मंजू है, प्रेम शंकर है, इसी प्रकार से सरिता है, ठीक है, विकास है, इसी प्रकार से जो है प्रेम शंकर है, सरिता शर्मा, सभी तीसरा उत्तर दे रहे थे, बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे थे, ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है,
तीखी मिर्च की बीज दर प्रति हेक्टर होती है 400 से 500 ग्राम, आपका 100 से 200 ग्राम, 1 से 1.5 किलोग्राम या फिर 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टर की बात हो रही है। तीखी मिर्च जो होती है कैप्सिकम एनम वैरायटी जो लोंगम होती है, कैप्सिकम एनम वैरायटी लोंगम जिसको हम लोग तीखी मिर्च कहते हैं, चिली जिसको बोलते हैं, उसके अंदर जो है उसकी बीज दर प्रति हेक्टर होती है 400 से 500 ग्राम, 100 से 200 ग्राम, 1 से 1.5 किलोग्राम, 3 से 4 किलोग्राम, ठीक है। इसी प्रकार से जो है लवकेश मौर्य है, नरेश कुमार है, नीलम है, सोहन लाल है, दीपक राजपूत है, सरिता शर्मा है, सभी बच्चे यहाँ तीसरा जो है आंसर देते हुए दिखाई दे रहे हैं, बच्चे तीसरा आंसर दे रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट बसंत है। तो बच्चे अभी ये मिर्च की जो देखो ये इंपॉर्टेंट है, बीज दर जो है मिर्च की एग्जाम के अंदर पूछी जाती रहती है, तो जैसा ये ज़्यादातर बच्चे इसके अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कौन से टॉपिक के अंदर, तो ज़्यादातर बच्चे जो है इसके अंदर तीसरा विकल्प दे रहे हैं 1 से 1.5 किलोग्राम। तो बच्चों बिल्कुल जो है मिर्च की इतनी होती, गेंदा जो होता है गेंदा की बीज दर भी जो है आपकी 1 से 1.5 किलोग्राम होती है। तो गेंदा की और मिर्च की बीज दर आपको बढ़िया से ध्यान रखना है, गेंदा और मिर्च की जो बीज दर रहती है, तीखी मिर्च जो होती है, यहाँ पे तीखी मिर्च की बात हो रही है ध्यान रखना, शिमला मिर्च की बात नहीं हो रही बच्चों। शिमला मिर्च जो होती है जिसको हम लोग कैप्सिकम एनम वेराइटी ग्रोसम या फिर फ्रूट सेंस कहते हैं, तो शिमला मिर्च जो होती है विद्यार्थियों, शिमला मिर्च को हम लोग स्वीट पेपर भी कहते हैं, अगर आपने नाम सुना होगा इसको हम लोग स्वीट पेपर के नाम से भी जानते हैं, स्वीट पेपर या फिर इसको कई बार हम लोग बेल पेपर भी कहते हैं बच्चों, बेल पेपर भी हम लोग कहते हैं, तो स्वीट पेपर या बेल पेपर शिमला मिर्च है। तो शिमला मिर्च की जो बीज दर रहती है वो रहती है 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टर, ठीक है 300 ग्राम पर हेक्टर रहती है। और जो संकर मिर्च होती है, संकर जो किस्में होती है, कौन सी वाली, इसी मिर्च की जो संकर किस्में होती है, उस संकर किस्मों की जो बीज दर रहती है वो भी आपकी जो है 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टर रहती है कि नहीं है। बहुत अच्छा, शिवांगी है, प्रिया है, रजनीश है, मंजीत है, सिंगर अकेल कोहली क्या नाम लिखा हुआ है, ठीक है, प्रमोद है, कृतिका है, सागर है, बहुत अच्छा। विद्यार्थियों अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि हाल ही में विकसित काशी लालिमा किसकी किस्म है, इंपॉर्टेंट वैरायटी है काशी लालिमा किसकी वैरायटी एग्जाम के अंदर आएगा ध्यान रखना, टमाटर की है, मूली की है, गाजर की है, भिंडी की है, हाल ही में विकसित काशी लालिमा किसकी किस्म है आपको बताना है अब, ठीक है। हाँ इसी प्रकार से जो है बिल्कुल मनराज है, तेज सिंह है, लवकेश है, कमलेश है, नीलम शर्मा है, इसी प्रकार से जो है अंकित है, प्रमोद गुजर है, इसी प्रकार से जो है सचिन है, कानाराम है, हेमलता है, सभी विद्यार्थी जो है यहाँ पर डी उत्तर दे पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे। ये प्रश्न मैंने आपको एक दिन फोटो भी बताया था, ये किसकी वैरायटी, मैंने आपको एक दिन फोटो यहाँ पर बताया था कि ये वैरायटी इस प्रकार की है और किसकी हो जाएगी, तो कन्हैया है, सोहन लाल है, कोमल है, आलोक है, इसी प्रकार से जो है सोहन लाल है, पायल है, संदीप है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो विद्यार्थी जो है सभी यहाँ पर कमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चौथा होना चाहिए। तो विद्यार्थी ये लाल भिंडी की वैरायटी है, लाल रंग की भिंडी होती है ना, लाल भिंडी, तो कभी प्रश्न आएगा कि किसकी किस्म है काशी लालिमा, तो ये लाल भिंडी की है, जो कि आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, आपका जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है, जो कि आपका वाराणसी काशी के अंदर है, गाइज वाराणसी काशी के अंदर है, वहाँ से ये वैरायटी विकसित की गई है, लाल भिंडी की काशी लालिमा जो है वैरायटी लाल भिंडी की है, याद रखना है इसको, है ना, ये प्रश्न एग्जाम के अंदर आएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा कि मिर्च से कौन सा उपयोगी तत्व प्राप्त किया जाता है, टोमेटिन, डायोसजेनिन, ओलियोरेजिन, पायरेथ्रम, मिर्च से कौन सा उपयोगी तत्व प्राप्त किया जाता है आपको यहाँ बताना है, टोमेटिन, डायोसजेनिन, ओलियोरेजिन या फिर पायरेथ्रम, ठीक है आप बताओगे अब, ठीक है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। मिर्च के अंदर जनरली क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं जितने भी फूड या बेवरेजेस, कई बार जो पीने वाली थोड़ी इसमें जो स्पाइसी जिनको करना रहता है या फिर ऐसे खाद्य पदार्थ है जिनके अंदर मिर्च से एक तत्व निकलता है उसका उपयोग किया जाता है, तो आप लोग बताओगे, ललिता है, इसी प्रकार से चंद्र प्रकाश बाड़मेर है, पायल है, दिव्या है, तेज सिंह है ना, राजकुमार है, मंजू है, कृष्णा है, तो सभी बच्चे जो सीताराम हैं आंसर करेंगे, तो इसका सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा वो हम लोग अभी देखेंगे। जैसा कि ज़्यादातर बच्चे तीसरा यहाँ आंसर देते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो स्टूडेंट्स सही उत्तर देखो इसका क्या हो जाना चाहिए। तो इस सरल टाइप का प्रश्न है लेकिन अच्छा प्रश्न है, तो यहाँ पे जो विद्यार्थी आप लोग देख रहे हो इसके अंदर उपयोगी तत्व था ओलियोरेजिन, इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसके मिर्च के अंदर जो ओलियोरेजिन प्राप्त करते हैं जिसको हम लोग फूड एडिटिव के रूप में या फिर बेवरेज वगैरह बनाते हैं उसमें काम लेते हैं, डायोसजेनिन आपका जो है
मेथी के अंदर पाया जाता है, याद रखना। और ये पायरेथ्रम आपको पता ही है, गुलदाउदी जो होती है, गुलदाउदी के फूलों से जो है, गुलदाउदी के फूलों से प्राप्त करते हैं। गुलदाउदी की एक प्रजाति है जिसको हम लोग कहते हैं क्राइसेंथिमम सिनरेरिफोलियम। क्राइसेंथिमम जो सिनरेरिफोलियम जो प्रजाति है, सिनरेरिफोलियम, उस सिनरेरिफोलियम से इसको हम लोग प्राप्त करते हैं पायरेथ्रम, जो कि जैविक कीटनाशी है। इसको बायो इंसेक्टिसाइड कहा जाता है, बायो इंसेक्टिसाइड गाइड जिसको कहा जाता है। टोमेटिन टमाटर के अंदर पाया जाने वाला कवक प्रतिरोधी तत्व है। तो ऐसे कुछ कुछ बातें हमें याद रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है गाइज, आंवला की कौन सी किस्म बनारसी किस्म से चयनित नहीं है। कितना बढ़िया प्रश्न है, आपको बताना है कि कौन सी वैरायटी बनारसी किस्म से चयनित नहीं है। NA5, NA6, NA9, NA10। अब यहाँ पे आप लोग बता दोगे कि इसका प्रश्न क्या होगा। छगन लाल है, इसी प्रकार से जो है कंचन है, दिनेश पाटीदार है, संदीप कुमार है, इसी प्रकार से रजनीश है ना। सभी विद्यार्थी यहाँ पे जो है आंसर देंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ से अगर ये चीज़ तो मैंने आपको बहुत बार बताई हुई, ये जो आप देख रहे हो ना, ये प्रश्न मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ऐसे प्रश्न अभी एग्जाम के अंदर आया नहीं, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ जिस दिन आप बढ़िया लेवल के पेपर में बैठोगे ऐसा प्रश्न आएगा। ये मैं आपको पहले से ही इसका जो है पूर्वानुमान कर देता हूँ, इस टॉपिक से प्रश्न आएगा ही आएगा आने वाले टाइम पे, और इतना बढ़िया प्रश्न आएगा कि एक आधा बच्चा ही उसको सही करेगा जिसने यहाँ पे याद कर लिया है। ठीक है, सोहन है, नरेश है, इसी प्रकार से काना है, पिंकी है, महावीर है, तो सभी बच्चे जो है प्रेम शंकर है। बच्चों इसका सही उत्तर जैसा कि विद्यार्थी यहाँ पर दे रहे हैं, ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर कौन सी इससे चयनित नहीं है, तो बच्चे सी आंसर यहाँ पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं ज्यादातर बच्चे, कि बनारसी से चयनित नहीं है, ऐसा प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे पूछा गया है। तो आप लोग जैसा कि ज्यादातर बच्चे तीसरा यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, तो ज्यादातर बच्चे यहाँ पे जो आंसर दे रहे हैं वो यहाँ पे आंसर में जैसा कि आप लोगों का देख पा रहा हूँ, तो बच्चे आप लोग फटाक से मुझे आंसर करके बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर जैसा कि ज्यादातर बच्चे यहाँ कमेंट कर रहे हैं, तो बिल्कुल जो है बताएंगे कि इसका सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए। जैसा कि बच्चों में आप लोगों का आंसर यहाँ पे देख पा रहा हूँ, तो मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे जो आंसर कर पा रहे हैं, जैसे कि ज्यादातर बच्चे यहाँ पे सी उत्तर दे रहे हैं। बच्चों ये प्रश्न हमने पहले कितनी बार देखा हुआ, आप लोग यहाँ पे बताएंगे, ये प्रश्न हमने पहले भी देखा हुआ है, तो ज्यादातर बच्चों का जो सी उत्तर आ रहा है, तो मैं ये देख रहा हूँ कहीं सी है तो नहीं, सही कहीं मैं तो नहीं भूल गया। बच्चों ये सही नहीं है आपका, सही आपका ये देख पा रहे हो NA6 है। कैसे है देखो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कौन सा नहीं है ऐसा पूछा है प्रश्न। यहाँ पे जो है एक वैरायटी आपकी NA5 है, एक आपकी NA9 है, और एक आपकी विद्यार्थियों है NA10। ये तीनों किस्में जो आप देख रहे हो, ये तीनों आपकी बनारसी से चयनित है। यहाँ पे देख रहे हो NA5, NA9 और NA10, NA6 नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी बनारसी से चयनित है। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि NA4, इसके अलावा NA4, NA6 और NA8 जो वैरायटी है, ये किस्में आपकी चकैया से चयनित है, ऐसा भी हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से एक वैरायटी आप लोगों की है NA7, है ना। NA7 को हम लोग कहते हैं नीलम के नाम से जानते हैं, ये जो नीलम वैरायटी, ऐसा भी आ सकता है NA7 की जगह इनका उपनाम मैंने आपको बता रखे हैं, 4, 5, 6, 7 चार किस्मों का उपनाम आपको बता रखे हैं, तो आपका NA7 को हम लोग नीलम भी बोलते हैं। इस किस्म का जो आप लोग, ये किस्म विकसित की गई फ्रांसिस से, बच्चों या फ्रांसिस या फिर जिसे हम लोग हाथीजूल कहते हैं उससे विकसित की गई वैरायटी है। एक जो वैरायटी आप लोगों की है जिसे हम लोग कहते हैं गोमा ऐश्वर्या, बच्चों एक नई वैरायटी है अगेती किस्म जिसको हम लोग कहते हैं गोमा ऐश्वर्या। ये गोमा ऐश्वर्या विकसित की गई आपकी जो है NA7 से, नरेंद्र आंवला 7 से। और एक वैरायटी गाई जो आप लोगों की है भवानी सागर जिसको हम लोग कहते हैं, ये भवानी सागर जो किस्म है उससे विकसित की गई, ये भवानी सागर है, ये जो आपकी थिम्बन वैरायटी है, इस थिम्बन वैरायटी से चयनित की गई है थिम्बन से। तो इस टॉपिक से बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न आएगा, विश्वास दिलाता हूँ, आप लोग बस विश्वास बनाए रखना, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखोगे, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा गाइज, निम्न में से कौन सी फसल पेडी फसल या रेटूनिंग हेतु उपयुक्त है। आपको बताना रेटूनिंग हेतु उपयुक्त फसल कौन सी है, प्याज, बैंगन, टमाटर और लौकी। रेटून या पेडी फसल हम लोग कहते हैं ना, पेडी या फिर रेटून फसल हेतु उपयुक्त कौन सी आपकी, प्याज, बैंगन, टमाटर, लौकी। आप लोगों ने रेटूनिंग का नाम सुना होगा, रेटूनिंग या पेडी फसल का क्या मतलब होता है आप लोग अच्छे से जानते होंगे। कृतिका है, रजनीश है, निर्मा जाट है, अशोक जाट है, अनिता चौधरी है, बच्चे बिल्कुल जो है आंसर यहाँ पे बैंगन लिखा किसी ने, कुछ बच्चे जो है बी आंसर दे रहे हैं, सोहन लाल है, विकेश है, ललिता है, पायल है, बहुत अच्छा। बच्चों यहाँ पे देखेंगे सही उत्तर इसका क्या हो जाना चाहिए, ज्यादातर बच्चे यहाँ पे सेकंड यहाँ आंसर देते हुए दिखाई दे रहे हैं।
विद्यार्थियों यहाँ देखेंगे कि राइट आंसर इसका क्या होगा। तो बच्चे जैसे कमलेश है, इसी प्रकार से महावीर है, ठीक है। यहाँ पर विद्यार्थियों बिल्कुल आप जो बी आंसर दे रहे हो सही दे रहे हो। ये यहाँ पर बैंगन को हम एजे पेडी फसल, पेडी फसल का नाम सुना होगा। जैसे एक सीजन है, एक ऋतु के अंदर क्या होता है, जैसे आप लोगों ने फल लगे, फलों की तुड़ाई कर ली, अब आप इस फसल को उखाड़ नहीं रहे हो, इस पौधों को नीचे से काट देते हैं। इसे पौधों को हमने नीचे से काट दिया, अगले साल में अगली सीजन के अंदर ये फिर से यहाँ से फूटान स्टार्ट हो जाती है। आपको पता पौधे को काट दें तो अगली सीजन में जो फसल रहते हैं, नए पौधे नहीं लगा करके, उनके जो अवशेष होते हैं उससे जो है तने से नए नए पौधे निकलते हैं, उन्हीं से हम लोग अगली फसल लेते हैं, उसको रेटून कहते हैं। गन्ने के अंदर ऐसा होता है, रेटूनिंग ऐसा ही जो है बैंगन के अंदर भी होता है। लेकिन रेटून फसल लेने का नुकसान ये है कि इसके अंदर जो फल होते हैं उनके अंदर कई बार कड़वाहट आ जाती है। बच्चों कई बार प्रश्न आए कि बैंगन की फसल में रेटून फसल लेने से कड़वाहट आ जाती है, वो होती है ग्लाइको एल्केलॉइड की मात्रा बढ़ने से। तो ग्लाइको एल्केलॉइड की मात्रा बढ़ जाती है, ग्लाइको एल्केलॉइड, तो ग्लाइको एल्केलॉइड की मात्रा बढ़ जाने की वजह से क्या होता है कि इनके अंदर कड़वाहट आ जाती है। तो ऐसा अपने को ध्यान रखना है, रेटून फसल बैंगन के अंदर हम लोग लेते हैं, है कि नहीं है? बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है आपका कि पूसा नन्हा पपीता की बोनी एवं उत्परिवर्तित किस्म है, जिसे 1.25 × 1.25 मीटर की दूरी पर रोपण किया जाता है, यह पपीता की किस्म है कौन सी, गायनोडायोसियस मोनोसियस डायोसियस गायनोन मोनोसियस। मतलब प्रश्न दे रखा है, ये प्रश्न मैंने कल भी आपको बताया था, पहले भी ये आपको बता रखा है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर आपको आना चाहिए। पूसा नन्हा पपीता की बोनी एवं उत्परिवर्तित किस्म है, जिसे 1.25 × 1.25 मीटर की दूरी पर लगाए रोपण किया जाता है, यह पपीता की कौन से प्रकार की किस्म है, गायनोडायोसियस मोनोसियस डायोसियस या फिर गायनो मोनोसियस। ऑप्शन आपके सामने है, राहुल है, लोकेश है, इसी प्रकार से कृतिका राजपूत है, सरोज है, दिनेश कुमार है, रीना है, गुलशन है, कोमल है, सुनील है, सभी बच्चे यहाँ पे जो है आंसर दे रहे हैं, महावीर है, इसी प्रकार से जो है मोना है, तो सभी स्टूडेंट जो आंसर देते हुए दिखाई दे रहे हैं, बच्चे सभी यहाँ आंसर दे रहे हैं सी सी। तो ज़्यादातर बच्चों का जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पे गाई जा रहा है सी। तो हम अभी यहाँ देख लेते हैं कि सही उत्तर इसका क्या होगा। तो विद्यार्थी इसका सही उत्तर जो होगा वो आपका हो जाएगा, प्रियंका है, बच्चों इसका सही होगा डायोसियस। आपको पता है पपीता की डायोसियस किस्म है, आपकी पूसा नन्हा, और आपको दो ऑप्शन तो ऐसे ही हटा देना चाहिए क्योंकि मोनोसियस और गाइनो, आपके गाइनोमाइनोसिस किस्म तो होती नहीं पपीता की, पपीता की गाइनो डायोसियस और डायोसियस ही तो होती है। तो डायोसियस किस्मों के अंदर मैंने आपको कल ही ट्रिक के माध्यम से बता रखा है, बच्चों इसकी गाइनो डायोसियस किस्मों को याद करने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जिसको हम लोग कह रहे थे डीजे नाइट इन पंजाब। डीजे नाइट जो थी आपकी, डीजे नाइट इन पंजाब थी आपकी, पूसा ड्वार्फ थी, पूसा जायंट थी, पूसा नन्हा और पंजाब स्वीट, ये चारों किस्में आपकी डायोसियस नेचर की होती, ऐसा मैंने आपको याद तो करा तो रखा है, और क्या करें बताओ, बढ़िया तरीके से आप लोगों को याद कराया हुआ है ना गाइस। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे ब्लैंकेट फ्लावर भी कहा जाता है, किसे हम लोग ब्लैंकेट फ्लावर कहते हैं, गैलार्डिया को, डेंजी को, कैलेंडुला को, जीनिया को। गैलार्डिया आपका डेंजी है, इसी प्रकार से जो है कैलेंडुला या फिर जीनिया है, इनमें से किसे ब्लैंकेट फ्लावर कहते हैं। क्लास की शुरुआत में मैंने ब्लैंकेट फ्लावर का नाम दिखा रखा है, फोटो भी दिखा रखा है, क्लास की शुरुआत ही हमने जो है गैलार्डिया से ही की थी। तो बच्चों यहाँ पे जैसा कि उत्तर आप लोग देख रहे हैं, गैलार्डिया का फोटो दिखाते हो, तो गैलार्डिया को हम लोग कहते हैं गाइज, यहाँ पे जो है ब्लैंकेट फ्लावर भी इसका अन्य नाम है। तो याद रखोगे गैलार्डिया को हम लोग ब्लैंकेट फ्लावर कहते हैं, और इसका फोटो मैंने क्लास के प्रारंभ के अंदर दिखा रखा है गाइज, इसका फोटो मैंने आपको क्लास शुरुआत में दिखा रखा है, ये वाला फोटो। तो ये गैलार्डिया है, एज ए लूज फ्लावर इसको काम में लिया जाता है, लूज फ्लावर, और इसको हम लोग ब्लैंकेट फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। तो यही तो मैंने आप लोगों को दिखाया था गाइज, ये आप लोग जो देख रहे हो यही तो है अपना वास्तव में जो हम देखना चाहते हैं ऐसा। अब गाइज इसके अंदर एक आपको मैं मिर्च के बारे में कुछ बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ गाइज। जो मिर्च होती है आपकी, मिर्च के अंदर जैसे ये मिर्च का यहाँ पे फ्रूट बना रहा हूँ, जैसे आपका यहाँ पे मिर्च है, तो इस मिर्च के अंदर हम यहाँ पे देखते हैं विद्यार्थियों, ये आप लोगों की मिर्च है, ऐसे छोटे से मिर्च बता रहा हूँ, इस मिर्च के अंदर हम कुछ पॉइंट यहाँ पे देखना चाहते हैं। जैसे ये मिर्च है, इस मिर्च के अंदर हम ये देखते हैं विद्यार्थियों, इस मिर्च के अंदर हम क्या देखते हैं, ये आपकी जैसे मान लो कि मिर्च है, इस मिर्च के अंदर हम ये देख रहे हैं इस प्रकार से। अब मिर्च के अंदर क्या होता है, ये जो ऊपर वाला भाग देख रहे हो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मिर्च का ये जो ऊपर वाला भाग है विद्यार्थियों, इसको हम लोग कहते हैं स्टॉक, इसको एक कहते हैं स्टॉक कहते हैं, या फिर इसको कई बार हिंदी के अंदर हम लोग कहते हैं डंठल। ये डंठल होता है, ये पूरे फ्रूट का 6% होता है गाइज, याद रखना है, पूरे फल का जो ये मिर्च के अंदर देख रहे हो ये 6% होता है, और मिर्च का ऊपर वाला भाग देख रहे हो गाइज, उसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्प।
मिर्च के ऊपर वाले भाग को गाइज हम लोग कहते हैं पेरिकार्प के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका पेरिकार्प है जो कि पूरे फ्रूट का कितना होता है, पूरे फ्रूट का 40% होता है गाइज, 40% आपका होता है पेरिकार्प। और ये जो अंदर देख रहे हो इसको हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा या बीज। प्लेसेंटा जो होता है इसी पे बीज लगे रहते हैं, तो प्लेसेंटा और बीज जो पूरे फ्रूट का होता है 54%। तो ये चीज़ अपने को यहाँ पे याद रखनी है। ये जो मिर्च का फ्रूट देख रहे हो उसका जो स्टोल या डंटल होता है ये होता है 6%, और आपका जो ये बाहर वाला भाग देख रहे हो इसे हम लोग कहते हैं पेरिकार्प, ये 40% होता है आपका। और प्लेसेंटा जनरली जो इस मिर्च का जो लाल रंग होता है वो ऊपर से ही तो दिखता है, तो लाल रंग जो होता है आपका कैप्सेंथिन के कारण होता है। तो लाल रंग यहाँ पे होता है गाइज कैप्सेंथिन के कारण, तो कैप्सेंथिन हो गया। कैप्सेंथिन का फॉर्मूला आपको मैंने क्या बता रखा है, कैप्सेंथिन का फॉर्मूला था C40H56, इसे हम लोग कहते हैं O3, ऐसा मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला वहाँ पे बताया हुआ है। इसी प्रकार से प्लेसेंटा होता है गाइज, इसके अंदर जो तीखापन होता है वो तीखापन इसके कारण ही तो होता है, और तीखापन होता है कैप्सेसिन के कारण। और कैप्सेसिन का मैंने अभी आप लोगों को फॉर्मूला क्या बताया था, कैप्सेसिन का गाइज फॉर्मूला बता रखा था आपका C18H27NO3। तो ये कैप्सेसिन का फॉर्मूला था। विद्यार्थियों आप लोगों को पता है विश्व की सबसे तीखी मिर्च जो होती है, विश्व की सर्वाधिक तीखी मिर्चों में से एक, सर्वाधिक तीखी मिर्चों में से एक जो होती है, सर्वाधिक तीखी मिर्च जो आपके उत्तरी पूर्वी भारत में पाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं भूत जोलोकिया। उसको कहा जाता है विद्यार्थियों भूत जोलोकिया के नाम से जानते हैं। इस भूत जोलोकिया को हम लोग नागा किंग चिली भी कहते हैं विद्यार्थियों, इसको नागा किंग चिली के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग कैप्सिकम चाइनेंसिस भी कहते हैं विद्यार्थियों, कैप्सिकम चाइनेंसिस के नाम से जानते हैं। ये जो है आपके उत्तरी पूर्वी भारत में पाई जाती है, उत्तरी पूर्वी भारत के अंदर। तो ये कुछ बातें जो आप थी आप लोगों के लिए है इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखोगे। ये मिर्च का जो फ्रूट देख रहे हो, इस मिर्च के फ्रूट में ये जो डंटल होता है ऊपर वाला 6% होता है, पूरा जो पेरिकार्प होता है वो 40% होता है गाइस, और आपका जो प्लेसेंटा होता है, ठीक है, प्लेसेंटा अंदर वाला जो होता है वो 54% होता है जिसमें तीखापन होता है, इनके फॉर्मूले वगैरह। तो यहाँ पे ये जो बहुत बेहतरीन चीज़ें आप लोग देख रहे हो ये आप लोगों के लिए ही तो है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि ऐसे जो हम लोग बड़े और मज़ेदार तरीके से पढ़ते हैं तो मज़ा आ जाता है हॉर्टिकल्चर पढ़ करके। जब फ्लोरिकल्चर पढ़ते हैं, फल पढ़ते हैं, पोमोलॉजी मेरे हाथ के पढ़ लो तुम जिंदगी में याद करोगे, पोमोलॉजी का प्रश्न बाहर नहीं जाएगा ऐसा हम लोग प्रयास करते हैं। तो कहने का मतलब यूँ है कि अच्छा पढ़ाने का हम लोग प्रयास करेंगे। रॉयल इंस्टीट्यूट हमेशा टॉपर देने के लिए जाना जाता है, यहाँ पे पढ़ाते तो अच्छा है ही है, टीचर बेस्ट क्वालिटी का यहाँ पे पढ़ाते हैं, उसके बाद में लगातार टेस्ट होते हैं बच्चों के, और इनको डेली प्रैक्टिस के लिए जो है प्रैक्टिस सीट दी जाती है, उसमें जो है क्वेश्चन पेपर बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, और संडे टू संडे यहाँ पे मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन होता है, तो बच्चे को मोटिवेट यहाँ पे रखा जाता है। तो ऑफलाइन वाले बच्चों सक्सेस रेट का कारण क्या है, पूरे साल भर बच्चे का टाइम टेबल पैक रहता है, ठीक है। मोबाइल वगैरह भी जनरली हम लोग कई बार मोबाइल को भी यहाँ पे कंट्रोल माहौल में रखते हैं कि बच्चे कम मात्रा में मोबाइल चलाएं, उसकी भी पूरी यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है। तो सफलता ऐसे एकदम से मिलती नहीं है, सफलता कई बच्चे बोलते हैं सर यार रॉयल में तो फ़ोन ले लेते हैं इसलिए हम लोग आएंगे नहीं। अरे तुम विद्यार्थी हो स्टूडेंट हो तुम्हें फ़ोन की ज़रूरत कहाँ है, फ़ोन तो जो है कम चलाओ, ठीक है, जब नौकरी लग जाएगी तो फ़ोन ही फ़ोन चलाना, तुम्हें कौन मना करने वाला है, कोई मना नहीं करेगा। तो विद्यार्थियों सुविधाएं सब आप लोगों के लिए हैं, तो निश्चित रूप से आप रॉयल के अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच चल रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ आकर ऑफलाइन कृषि पर्यवेक्षक JET ICER CUET है या फिर आप लोग PREPG, क्योंकि इन सब के अंदर इस बार भी रॉयल इंस्टीट्यूट ने फर्स्ट रैंक दी थी जैसा कि मैंने बीच में आपको बहुत बार बताया। तो आप सभी का जो है मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। अपने क्लास का टाइम है रोज शाम को 7:40 से 8:40 तक, तो आप सभी हमारे बीच में जुड़े, उसके लिए मैं आप सभी का थैंक यू सो मच कहना चाहता हूं। आज के लिए इतना ही है, गुड नाइट, जय।